तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे पास है एक हाथ में जियो फोन प्राइमा और दूसरे नंबर पे है हमारे पास जियो भारत V2। तो ये दो फोन हैं और साथ ही साथ में हमारे पास एक फोन जियो F220 भी है। और जियो F220 के बाद आपको पता ही होगा कि जियो F320 भी फोन लॉन्च हुआ था। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे ब्रांड लॉन्च हुए हैं, जियो कार्बन केबन भी एक लॉन्च हुआ है, जियो भारत कार्बन केबन। तो अब हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं तीनों मोबाइल दिखाने का उद्देश्य हमारा क्या है, ये आप वीडियो के बाद में समझ जाएंगे। तो देखिए ये है जियो फोन प्राइमा और जियो फोन प्राइमा में यूट्यूब आपको देखने को मिल जाता है, यूट्यूब का फीचर्स है और इसमें आपको यूट्यूब का फीचर्स नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें जियो टीवी दिया गया है और इसमें भी आपको जियो टीवी देखने को मिल जाता है। तो IPL चल रहा है तो IPL की वजह से इन फोनों पर डिमांड ज़्यादा देखने को मिली है। फिलहाल कीपैड फोन है, फीचर्स फोन है, तो जो भी कम बजट वाले हैं वो लोग इसको परचेज कर रहे हैं। लेकिन अब बात आती है कि अगर आपके पास ऑलरेडी जियो भारत V2 फोन है या कार्बन केबन का जियो भारत फोन है, तो अगर उसमें आपकी कोई सिम पड़ी हुई है इस वाले फ़ोन में जियो भारत V2 में, और आप चाहते हैं कि इसको हम रख के इस वाले फ़ोन को परचेज कर लें, तो ये वाले फ़ोन की सिम आप इसमें डालेंगे तो क्या वर्क करेगी? आपको इसी वीडियो में ये सारे डाउट जो है क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें होता है 123 रुपये का मोस्ट पॉपुलर प्लान चल रहा है इसमें, यानी कि जो कि ज़्यादातर लोग करवा रहे हैं, इस वजह से हम मोस्ट पॉपुलर प्लान की ही बात कर रहे हैं, अधिक प्लानों की बात नहीं करेंगे। 6-7 प्लान है जबकि, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो कि अधिकांश लोग करवा रहे हैं, तो इसमें 123 रुपये का मोस्ट पॉपुलर प्लान एक्टिवेट होता है। इसके बाद इसमें जियो सिनेमा वगैरह, कॉलिंग वगैरह सब कुछ ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें है आपका 125 रुपये का मोस्ट पॉपुलर प्लान जो कि 125 रुपये का है, और इसमें आपको YouTube, जियो सिनेमा, कॉलिंग वॉलिंग सब कुछ मिल जाता है जो भी इसमें होता है। तो इसमें आपको सुनने को आई होगा कि एक UPI ट्रांजेक्शन करने का भी ऑप्शन दिया गया है, फिलहाल वो ज़्यादातर अच्छा नहीं है और सक्सेस भी नहीं देखने को मिला है, क्योंकि कैमरे इतने क्लियर नहीं हैं इन फ़ोनों के कि अच्छे से आप UPI कर सकें। फिलहाल मैं UPI की बात ना करते हुए हम आपको बताएंगे कि क्या आपकी जो जियो भारत V2 है, जियो भारत V2 की सिम अगर हम इसमें डाल दें तो क्या वर्क करेगी? तो बिल्कुल वर्क करेगी, क्योंकि जियो की ही सिम है। और आपको बताना चाहेंगे एंड्रॉयड फ़ोन की ही सिम हो, चाहे कोई भी फीचर्स फ़ोन की सिम हो, कीपैड फ़ोन हो, कोई भी सिम हो आपकी जियो की सिम है, तो जियो फ़ोन में बिल्कुल बिंदास चलेगी। फंडा सिर्फ है प्लान का, यानी कि रिचार्ज प्लान, आप किस तरीके से उसमें रिचार्ज करवाते हैं उसी हिसाब से आपके फ़ोन में जो है वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। तो बताना चाहेंगे कि जियो भारत V2 में 123 रुपये का रिचार्ज होता है, जियो फोन प्राइमा में 125 रुपये का रिचार्ज होता है, 2 रुपये का डिफरेंट है सिर्फ यूट्यूब के चक्कर में। यूट्यूब वर्क करता है, इसमें यूट्यूब है, और जो ओल्ड मॉडल है इनमें भी यूट्यूब रहता था, तो इनमें सब में 125 रुपये का प्लान है। तो जिन में 125 रुपये का प्लान है उनकी सिम आप किसी में भी एक्सचेंज कर देंगे तो आपका नेट भी चलेगा और बात भी होगी, क्योंकि सब में जितने भी ओल्ड मॉडल हैं उनमें 125 रुपये का प्लान जो मोस्ट पॉपुलर हुआ करता था, वो उनमें सारे में आपको 125 रुपये का जो प्लान एक्टिवेट होता था उनकी सिम आप एक दूसरे में एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी सिम इसमें डाल लीजिए चाहे इसकी सिम इसमें डाल लीजिए, रिचार्ज दोनों में सेम है तो वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं आप 2 रुपये के चक्कर में अगर ये चाहेंगे कि इसमें 123 रुपये का रिचार्ज है और इस वाले फ़ोन में 125 रुपये का रिचार्ज है, तो इस फ़ोन में अगर 123 रुपये का रिचार्ज है और इसकी सिम आप इस फ़ोन में डालेंगे, तो दोस्तों इसमें डालते ही नेटवर्क आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन ना ही आप कॉलिंग कर सकते हैं ना ही आप नेट चला सकते हैं। सिर्फ आपको 125 रुपये का ही रिचार्ज फिर से इसमें करवाना पड़ेगा, तभी आप सब कुछ चला पाएंगे। दोस्तों बताने का उद्देश्य हमारा सब यही है कि कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन की सिम हो, चाहे कोई भी सिम हो, जियो की सिम हो, कोई भी फ़ोन में डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस रिचार्ज का फंडा है, आप जितने रुपए का जिस फोन में फ़ोन के हिसाब से रिचार्ज करवा रहे हैं उसी हिसाब से आपका फ़ोन जो है वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो जरा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपके लिए हमेशा इसी तरह की वीडियो लेके आते रहते हैं। और जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, आपको वीडियो देने का पूरा प्रयास रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।